अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों को यही चीज़ समझ में आ रही ना कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करें कि आपका कलर ब्राउन से वाइट हो जाए, जिस तरह से मैंने अपनी स्किन टोन चेंज की है। ये आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी, बता दूंगी। मुझे जो कमेंट्स आते हैं उनमें यही बात बार बार पूछी जाती है कि आप हमें एक कोई नाइट क्रीम बता दें जिससे हमारा कलर वाइट हो जाए, आप हमें कोई एक सीरम बता दें, आप हमें कोई एक चीज़ बता दें जिसको हम यूज़ करें हमारा कलर वाइट हो जाए। और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आपने दो तीन चीज़ें बता दी हैं, आपने एक दो नाइट क्रीम बता दी है, आपने स्क्रब बता दिए हैं, एक दो आपने रेमेडीज़ बता दी हैं, तो फिर हम क्या करें? हम कन्फ्यूज्ड हैं। इन सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको दूंगी, और मैं आपको बिगिनर्स को जो शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी, उनको फर्स्ट यानी कि 1 वीक के लिए एक कुछ रूटीन सजेस्ट कर दूंगी जो आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप उसके रिजल्ट देखेंगे, फिर आपको आप उसको कंटिन्यू करेंगे 1 वीक, और उसके बाद अगेन रूटीन आप लोगों की चेंज हो जाएगी, ठीक है? अभी जिन लोगों ने स्टार्ट करना है आज से, वो यहाँ से शुरू करेंगे कि फर्स्ट आपने डेली अपनी क्लींजिंग करनी है, ठीक है? आप लोगों को मैं स्टेप बताती जाऊंगी, बट मुझे अपनी स्किन केयर करनी है तो मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। आप लोगों को ये फॉलो करने के लिए नहीं कह रही, आप लोगों को जो स्टेप बताऊंगी आप लोगों ने सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है? ये नहीं कहना कि अगर मैं ये वाले मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ तो यही मॉइस्चराइजर अच्छा है, या फिर आप लोगों ने भी यही लगाना है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपने रूटीन फर्स्ट स्टेप जो ये है वो आपने जो फॉलो करना है वो बता रही हूँ। आपने क्लिंजिंग करनी है डेली। क्लिंजर कौन सा होना चाहिए? क्लिंजर होना चाहिए मिल्क, और मिल्क के अंदर आप ऐड कर लें, चाहे तो आप बेसन ऐड कर लें, और अगर बेसन नहीं ऐड करना तो संदल पाउडर ऐड कर लें, ठीक है? दो चीज़ें हैं, अगर बेसन सूट नहीं करता तो संदल पाउडर, अदरवाइज आप बेसन और मिल्क के साथ क्लिंजिंग करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा। अगर बेसन भी नहीं सूट करता, संदल पाउडर भी नहीं सूट करता, कॉटन पैड लें, उसको डिप करें मिल्क के अंदर। मिल्क कौन सा होना चाहिए? फ्रेश मिल्क होना चाहिए, रॉ मिल्क होना चाहिए। अगर मिल्क पैक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मिल्क पैक भी है तो भी चलेगा, ठीक है? आप अपनी क्लिंजिंग करेंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। अब मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना है, कोई एक ब्रांड बता दूँ, कोई एक कंपनी बता दूँ? तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी एक चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली, क्योंकि फिर किसी को वो सूट करेगी, किसी को वो सूट नहीं करेगी। तो मॉइस्चराइजर के लिए आप एलोवेरा जेल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा बटर ऐड करें, ठीक है? और आप इवियन का कैप्सूल एक ऐड कर दें, विटामिन ई का, आप उनको मिक्स करें, और आप वो वाला मॉइस्चराइजर थोड़ा सा लें और उसको अपनी स्किन पे लगा लिया करें। दिन में भी लगा सकते हैं और आप उसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं जो हम लोग बाय करते हैं, वो वाले एक दफ़ा आप लगाते हैं, मॉइस्चराइज होती है स्किन, जब आप फेस वॉश कर लेते हैं तो उनका असर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो होममेड मॉइस्चराइजर होते हैं, आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज रखते हैं, और आपकी स्किन को आपको बार बार मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइज नहीं करना पड़ता, ठीक है? और उसके बाद मैं तो अपनी स्किन केयर करने लगी हूँ, और ये मैं नायसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को ओपन पोर्स का ज़्यादा इशू होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, ये आपने डेली यानी कि मॉइस्चराइजर लगाना है, क्लिंजिंग करनी है, और फेस पैक लगाना है। फेस पैक अब कौन सा लगाना है? फेस पैक मैंने बहुत सारे बताए हैं, आप उनमें से होममेड फेस पैक, ठीक है, आप उनमें से कोई भी लगा सकते हैं, कोई इशूज का नहीं होगा। और ओपन पोर्स के लिए अच्छा जी, जिन लोगों के ओपन पोर्स हो जाते हैं वो क्या करें, वो फेस पैक डेली लगाया करें, और राइस वाटर जो है वो अपने फेस पे स्प्रे किया करें, उससे आपके ओपन पोर्स जो है वो नहीं होंगे और श्रिंक हो जाएंगे। और आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, और आपने 10 to 12 days के बाद स्किन पॉलिश करनी है एक दफ़ा, और ये रूटीन आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट आपने वीक फॉलो किया, उसके बाद आपने स्किन पॉलिश की, फिर आपने नेक्स्ट वो कंटिन्यू की, और उसके बाद फौरन आपने स्किन पॉलिश नहीं करनी, क्योंकि 10 days एटलीस्ट उसको चाहिए होते हैं। तो फिर आपकी स्किन जो है उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट फिर कौन सी आपने चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी आप यानी कि जैसा आपका जैसा भी कलर है अभी से आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं, क्लियरली बता दी हैं। अब कोई मुझसे बार बार ये नहीं पूछेगा कि आप ही क्या करना है, हम क्या करें, कोई एक चीज़ बता दें। तो एक ही ये चीज़ें जो भी मैंने बताया है इसको आपने 1 वीक के लिए फॉलो करना है, और 7 days के बाद ये एक चैलेंज है, उसके बाद आप अपनी स्किन देखेंगे कि वो कितनी ब्राइट हो जाती है। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और सन ब्लॉक भी यूज़ करना है, ठीक है? आपने डेली जब बाहर निकलना है या फिर आपने कहीं आना जाना है तो सन ब्लॉक यूज़ करना है। अब सन ब्लॉक कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, अब मैं
उसका आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि हमें ये नहीं मिल रहा या फिर एक्सपेंसिव है। तो आपकी स्किन पे जो सूट करता है ना, आप वो लगा लें, और बजट फ्रेंडली हो, जो आप इजीली बाय कर सकते हैं वो आप यूज़ कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अभी आपने बिगनर्स ने यही वाली रूटीन फॉलो करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। यानी कि पहले मैंने लगता है नहीं बोला, मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था लेकिन मैं नहीं बोल पाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट जो आगे बिगनर्स ने आगे काम करना है ना, वो मैं आपको 15 डेज के बाद बता दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।